साक्षी राजाराम शास्त्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, 3 साल से मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ कि अपने जीवन दर्शन का सार बताने की कृपा करें। पहली बात तो मेरे जीवन का कोई दर्शन ही नहीं है, नो फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जीवन दर्शन का अर्थ है कि आपको कुछ बंधा बंधाया सिस्टम, बंधी बंधाई मान्यता दूं, कोई एक ढांचा बताऊं कि ऐसे जियो। जबकि धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर मैं तुम्हें किसी ढांचे में ढालना नहीं चाहता हूं। मेरी धार्मिकता का और इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों की धार्मिकता का एक ही उद्देश्य रहा है कि तुम हर तरह के बंधन से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह जी सको। लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग दिस लाइफ इंटेंसली। केवल जीवन को संपूर्णता से जियो, जीवन को जानो, जीवन का रस लो, जीवन का पूरा रस निचोड़ लो। अगर हम तुम्हें जीवन की कोई व्यवस्था देंगे, कोई ढांचा बनाएंगे, तो वो ढांचा ही तुम्हारे लिए बंधन बन जाएगा। जैसे हिंदुओं का बंधन, मुसलमानों का बंधन, ईसाइयों का जीवन दर्शन। ना हम तुम्हें हिंदुओं के जीवन दर्शन में लपेटना चाहते हैं, ना इस्लाम के जीवन दर्शन में लपेटना चाहते, ना क्रिश्चियनिटी के जीवन दर्शन में लपेटना चाहते। क्योंकि जब तुम जीवन दर्शन में किसी विशेष ढांचे में अपने को ढालने के लिए कुछ ओढ़ लेते हो, तो उस ढांचे को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता है। तुम्हारा जीवन उस ढांचे को संभालने में ही लग जाता है। जीवन को जानने से, जीवन को जीने से तुम वंचित हो जाते। जीवन से तुम्हारा परिचय ही नहीं हो पाता है। तुम हिंदू धर्म के कर्मकांडों से परिचित हो जाओगे, इस्लाम धर्म के कर्मकांडों से परिचित हो जाओगे, क्रिश्चियनिटी के कर्मकांडों से परिचित हो जाओगे, लेकिन जीवन से परिचित नहीं हो पाओगे। मैं चाहता हूँ तुम जीवन से तुम्हारा परिचय हो। मैं चाहता हूँ जीवन में जो आनंद की तरंग तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, वो तुम्हारे भीतर जागे, तुम्हें उसका स्वाद मिले, तुम उसमें डूबो। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें जीवन दर्शन के नाम पर जीवन दर्शन मुक्त, बंधन मुक्त जीवन देना चाहता हूँ, स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर ये साहस होना चाहिए कहने का कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी दर्शन की सीमा में अपने को नहीं बांधता हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ। जिस दिन तुम ऐसा सोच सकोगे, तुम्हारी आत्मा अपनी बेड़ियों से, दास्ता की बेड़ियों से, दास्ता के बंधनों से मुक्त होगी। दास्ता दास्ता है, चाहे जिस प्रकार की दास्ता हो। जैसे शारीरिक दास्ता, शारीरिक गुलामी कष्टदायी होती है, वैसे ही वैचारिक गुलामी भी कष्टदायी होती है। और धार्मिक गुलामी तो आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मिक गुलामी है। धर्म के बंधन में होने का अर्थ है अपनी आत्मा को अपने गुलाम बना दिया। किसका? कुछ कर्म कांडों का। तो आपका जीवन किसी प्रकार के कर्म कांडों का बंधन ना बने, उसका गुलाम ना बने। साक्षी भाव में जीने का एक ही उपाय है कि तुम सहज ढंग से जियो। सहज ढंग से जीने का अर्थ है जब भूख लगे तो भोजन, जब प्यास लगे तो पानी, जब नींद लगे तो सो जाओ। योर बॉडी इज द ग्रेटेस्ट गाइड, द ग्रेटेस्ट गुरु। लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू योर बॉडी, लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू योर हार्ट, लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू योर सोल। बाहर मत खोजो नियम, बाहर मत खोजो ढांचे, बाहर के जगत में मत खोजो तरह तरह की गुलामियां। सिर्फ अपने शरीर की सुनो। शरीर हमेशा तुम्हें निर्देश देता है, सुझाव देता है। उसको भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता है तो भूख के माध्यम से देगा, पानी की आवश्यकता है तो प्यास के माध्यम से, सेक्स की आवश्यकता है तो सेक्स के माध्यम से आपको संकेत देता। जो भी शरीर संदेश आपको
संदेश दे, उसको फॉलो करो, उस आर्ट को सुनना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है शरीर की सुनो, बाहर के गुरुओं की मत सुनो। ध्यान का अर्थ है हृदय की सुनो, बाहर के गुरुओं की मत सुनो। ध्यान का अर्थ है आत्मा की आवाज को सुनो, बाहर के गुरुओं की मत सुनो। बाहर का गुरु, असली गुरु वही है जो तुम्हें स्वयं के भीतर हृदय और आत्मा की आवाज को सुनने सहयोग करता है, तुम्हारी दृष्टि उधर ले जाता है। मैं तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे भीतर ले जा रहा हूँ। जो गुरु तुम्हारे भीतर के गुरु से तुम्हारी मुलाकात कराने में सहयोगी बन जाए, वही गुरु सच्चा सदगुरु है। जो बाहर से तुम्हें नियम दे, आदर्श दे, ढांचे बनाए, वो समझ लेना सच्चे अर्थों में तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। ऐसे गुरुओं से हमेशा होशियार रहना, वह ज़रूर तुम्हारा शोषण करेंगे। और जब तक तुम अपने भीतर से नहीं जुड़ोगे, अंतर यात्रा नहीं शुरू होगी, भीतर के निर्देश को नहीं सुनोगे। आप पूछ सकते हो कि कैसे मैं निर्देश, भीतर के निर्देशों को सुन सकता हूँ? जैसे शरीर के निर्देशों को आप सरलता से समझ लेते हैं कि शरीर भोजन मांग रहा है, शरीर पानी मांग रहा है, शरीर स्थूल तल पर है, ये जो संदेश देता है आप जल्दी से समझ लेते हो। लेकिन उसके गहरे है हृदय, हृदय भी इसी तरीके से संदेश देता है आपको। किसी के पास बैठते हो तो उसके और करीब जाने के लिए हृदय तुम्हें पुकारता है, आवाज़ देता है। हृदय खींचता है कि उसके और निकट और निकट और निकट होते जाओ। कोई दूसरा मिलता है, हृदय कहता है इससे थोड़ा दूर रहो, और दूर और दूर और दूर हो जाओ। सुनो उस हृदय के संदेश को, हृदय की आवाज़ को, वो हमेशा तुम्हें गाइड करता है। इसी तरीके से जब और शांत होने लगोगे, जब आप अकेले में होने का आनंद लेने लगोगे, अकेले में होने के आनंद को लेने की क्षमता को पैदा कर लेने का नाम ही ध्यान है। थोड़ा अभ्यास करो, एक घंटे के लिए बैठना शुरू करो। स्वयं के साथ होने की कला का नाम ध्यान है। स्वयं के साथ होने के लिए एकांत में बैठो, धीरे धीरे अपने आप तुम्हारा, तुम्हारी आत्मा से संबंध बनने लगेगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक घंटे के लिए बाहर की दुनिया से संबंध तोड़ दो, अपने आप आपके जीवन ऊर्जा आपके भीतर की ओर प्रवाहित होने लगेगी और आपका अपने हृदय से, अपनी आत्मा से एक संबंध बनने लगेगा। उससे जो निर्देश मिलेंगे वही तुम्हें जीवन की गहराइयों में ले जाने में सहयोगी बनेगा और तुम जीवन को पूरी तरह से जी सकोगे। यही दृष्टि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कोई जीवन दर्शन नहीं मेरे लिए, तो जीवन को पूरी तरह जीना, जीवन में डूब जाना, जीवन का पूरा रस निचोड़ लेने की कला सीख लेना, यही मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन दर्शन है। और बाहर से किसी नीति नियम निर्देश के चक्कर में या किसी प्रकार के बंधन में स्वयं को नहीं डालना, बंधन मुक्त हो जाना। Enough for this question. Thank you.